वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक हो गए और मज़े में हो गए। आज मैं गई शॉपिंग करने के लिए और मैं आप लोगों को अब अपने शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। सबसे पहले ये है, मम्मा का ड्रेस। ये वाला मम्मा का ड्रेस है और ये इसके साथ का दुपट्टा है और ये इसके साथ की शलवार है। मैं आप लोगों को इसकी कमीज़ खोल के दिखाती हूँ। इसकी कमीज़, ये वाला गला इसका, ये वाला ऐसे, और ये इसका दामन ऐसे करके, ये गला और दामन है। बैक साइड इसकी पूरी ऐसी है फ्लावर वाली। और ये वाला दुपट्टा इस मम्मा का, ये वाला ऐसे। और ये वाला ड्रेस मैंने लिया था, ये है शमोज में पिंक इस कलर का, और ये वाला इसके साथ का दुपट्टा है। आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है, ये वाला दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है फ्लावर के साथ, और ये इसके साथ ऐसे ये भी स्टिच होगा। फिर मैं आप लोगों को इसकी वीडियो दिखाऊंगी, ये ऐसे, ये वाला दुपट्टा फिर इसके साथ। और दूसरा सूट, ये वाला मेरी सिस्टर का सूट है, ये वाला, ये भी शमोज का, इस पर भी वो डिज़ाइनिंग करवाएगी, ये वाला। और इसका हम लेके आए थे ये वाला दुपट्टा, ये वाला इसके साथ का, इसके ऊपर भी वो डिज़ाइनिंग करवाएगी। फिर मैं इसके आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी, ये कुछ ऐसे नज़र आते हैं। ये वाली दो शर्ट थी जो कि पहले ही घर में थी, तो इनके साथ ये, इनके साथ शलवारें मैच करनी थी तो ये शलवारें ली थी, ये वाली। ये फुल शर्ट इस तरह से ऐसे, इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी पड़ी, कुर्ता टाइप है बिल्कुल। इसके साथ ये शलवार ली थी। और दूसरी शर्ट ये वाली है, ये भी इसके ऊपर ये वाली वाइट कलर का सारा काम हुआ पड़ा ऐसे, ये वाला सारा धागे का। और इसके साथ भी ये वाली शलवार मैच करनी थी तो ये वाली इसके साथ की शलवार ली थी। और ये उसका पीच कलर के साथ का दुपट्टा, और एक ये शर्ट थी मेरे पास, ये वाली ये ली थी प्रिंट, इसका ये चुनरी टाइप बना हुआ ऐसे। ये एक ब्लैक कलर की शर्ट थी, ये चुनरी टाइप इसका डिज़ाइन बना हुआ है। और ये वाला इसका बॉर्डर ऐसे, और ये, वाले इसके बाजू हैं, ये वाले। ये जब ये बनेगी तो तब मैं इसको आपको ड्रेस डिज़ाइन में वीडियो दिखा दूँगी। ये इसके साथ मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया था, ब्लैक तो हर किसी के साथ चल जाता, और ये इसके साथ मौत की ही शलवार ली थी। और एक ही मैंने हेयर बैंड लिया था, ये वाले कभी आजकल बहुत ट्रेंड है। और ये मैंने लिए थे दो, लगाने के लिए लिए थे शर्ट पे। अब ये ऐसे लगेंगे ऐसे करके ऐसे, पता नहीं मैं शायद ये इसे दूसरी शर्ट पे लगवाऊं या फिर किसी और पे। अभी मैंने मतलब डिज़ाइन सेलेक्ट नहीं किया, जब सेलेक्ट करूँगी तब। और दूसरा मैंने अपने लिए सदा बाहर से ये वाले जूते लिए थे, ये वाले, इसी डिज़ाइन के मेरे पास पहले भी, बस इधर से थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है उसका। और ये इस ऐसे जूतों में ना बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैंने ये वाले जूते लिए थे।
और बाकी भाइयों की शॉपिंग की थी, और इतनी शॉपिंग तो की थी, बाकी वो दूसरे भाई लोग अपने कपड़े ड्रेस स्टिच करवाने के लिए चले गए, बाकी बस इधर मैं बेडशीट चेंज कर रही थी जो कि बहुत ही गंदी हुई पड़ी थी। मैंने कहा जल्दी से बेडशीट चेंज कर दूं, ये मैंने बेडशीट इधर चेंज कर दी और देख लो फाइनल लुक। मैंने आज मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े वॉश किए थे, और ये बेडशीट फिर मैंने ये वाली बेडशीट मैंने इधर बिछा दी दूसरा। अब मैं इधर मैंने जो कपड़े वॉश किए थे उन्हें मैं तय करके रख रही थी तरतीब से जल्दी जल्दी से। ये मैंने बेडशीट वगैरह, ये दो बेडशीट थी और ये एक ब्लैंकेट था जो मैंने वॉश किया था, इसे इनको मैं सबको तय करके रख रही थी। ये बेबी के कपड़े हो गए, ये मैंने तय किए और इनको मैं अलमारी में रखने लगी। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैंने अपने लिए सैंडविच बना लिया, हॉबी के लिए भी अपने लिए भी। इधर हम सैंडविच इंजॉय कर रहे थे मशीन लगाने के बाद अजीब सी थकावट हो जाती है, बहुत भूख लगती है, इतनी हिम्मत नहीं थी, सैंडविच ही बना लिए मैंने। और इधर हो भी दो मग लेके आए थे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दी आने वाली है और उसके लिए तो मेरे पास थे दोनों मग, टूट गए थे, मतलब एक साथ नहीं टूटे थे, थोड़ी थोड़ी दोनों मग मुझसे टूट गए थे, मतलब वो वैसे भी काफ़ी देर के हो गए थे, इसलिए तो हमने कहा चलो मग चेंज कर लेते हैं। इधर वो भी मग लेके आए थे, उन्होंने मुझे पिक भी सेंड की थी मग की, के मतलब बताओ कौन से वाले लेके आऊँ, तो मुझे पता नहीं चला, मैं सोई हुई थी तो सेल पता नहीं चार्जिंग पे लगा हुआ था इसलिए मुझे पता नहीं चला, तो खुद अपनी मर्जी से ये दो एक जैसे सेम उठा के ले आए। वो जो दूसरे वाले थे वो भी बहुत प्यारे थे, उनमें मतलब वो वाइट थे, उनमें ना फ्लावर बना हुआ था। और इधर में हम चाय इंजॉय कर रहे थे, मैंने चाय ली, चाय पी रहे इधर। उस दिन उसके बाद मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने एक बॉयल करके चाय के साथ ले लिया। मौसम चेंज हो रहा ना उसकी वजह से ना तबीयत अजीब सी रहती है, फ्लू खांसी ये सब कुछ आजकल नॉर्मल चल रहा है। ये बेबी के लिए वाकर लेके आए थे हस्बैंड जो कि सेट कर रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। नेक्स्ट डे का व्लॉग, इधर मैं और अभी लंच कर रहे थे, तो ये फिश और ये आलू गोश्त रोटियाँ और ये चने के गुड़ के चावल आए थे कहीं से, इसमें चने डले हुए हैं। किस किस को गुड़ के चावल पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। उन लोगों ने साथ चने भी डाले हुए हैं जिसकी वजह से बहुत ही यम्मी लग रहे थे, टेस्ट भी बहुत मज़े का लग रहा था, खाने में भी बहुत अच्छे थे। मैं साथ साथ बेबी को खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी, वो भी बहुत शौक से खा रहा था चावल, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें। और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।